फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोजीशन लेटर्स की कैसे लर्न करें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं कि कैसे लर्न करेंगे पोजीशन लेटर्स की। पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इनकी पोजीशन कैसे लर्न करें? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 तक तो हर कोई लर्न कर लेगा, सिंपल है बिल्कुल। अब उसके बाद आगे टोटल लेटर्स होते हैं 26, इनको कैसे लर्न किया जाए? एफ को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके घुमाऊँ तो ये बन जाता है 6। जी, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 7, तो जी की पोजीशन हुई 7। एच, एच को भी थोड़ा और घुमा लिया गया तो ये बन गई 8 पोजीशन। ये है आई, आई को कुछ हम इस तरह से भी लिख लेते हैं और ये बन गया हमारे पास 9। जे की पोजीशन होती है 10, 10 पोजीशन होती है, इसको बाद में देखते हैं कैसे करेंगे इसको लर्न। नेक्स्ट आता है जे के बाद के एल एम और एन और ओ। के फॉर किंग, कार्ड्स में बहुत सुना है किंग किंग, तो उसमें किंग का जो नंबर होता है वो होता है 1 1। अब आता है एल, एल को कैसे लर्न करेंगे? 1 2, एल की पोजीशन होती है 12। फिर आता है एम, एम को कुछ अगर हम इस तरह से लिख लिए जाएं तो ये बन गई 13 पोजीशन पे। सी को 3 है तो ये 13 है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब एन की पोजीशन क्या है, इसको कैसे लर्न किया जाए? इसमें अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसको अलग अलग करके लिख दिया तो ये 1 और ये बन जाता है 4, तो ये 14 पोजीशन पे हो गया। ओ की पोजीशन हो जाएगी 15। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ओ के बाद आ जाएगा पी, फिर क्यू, फिर आर, एस एंड टी। पी की पोजीशन होती है 16। लर्न कैसे किया जाए? पी को हम बी बना देते हैं और बी की पहले पोजीशन आ चुकी है 2, अब है पी, तो ये बन गया आपके पास 16। क्यू की पोजीशन आती है, इसको ऐसे किया जाए तो ये बना है 7 और इसके आगे लगा दिया 1 7 1 7। और आपके पास जो 7 वाली पोजीशन थी पहले, वो आपके पास जी की थी। आर, आर को कैसे लर्न किया जाए? इसको भी ऐसे थोड़ा सा जोड़ लिया जाए तो ये बन गया 8 8 और आगे लगा दिया 1। एच की पोजीशन आपके पास पहले 8 थी, एस की पोजीशन हो गई 19। थोड़ा इसको भी ऐसे करके ऐसे यहाँ से जोड़ लिया जाए तो ये 9 बन गया, इसके आगे 1 लगा दिया। अब टी, टी की पोजीशन 20, कैसे लर्न करेंगे? टी 20 तो बहुत बार सुना ही है हमने। उसके बाद आता है टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। यू, अब यू की जो पोजीशन होगी वो होगी 21। लर्न कैसे करें? हम यू को हिंदी में कुछ ऐसे लिख देते हैं यू, ये बन गया 2 और ये बन गया 1, तो हो गई 21। वी की पोजीशन, अगर हम वी को कुछ ऐसे जल्दी जल्दी में लिखे तो 1 1 दिख रहा है हमें, 1 1 इसका डबल कर दिया जाए तो 22। अब डब्ल्यू को कैसे लर्न किया जाए? इसको दोबारा से उल्टा करते हैं तो 3 तो दिख ही रहा है हमें। बस एक बार आपके पास एन की जो पोजीशन थी वो 13 थी, सी की पोजीशन थी 3, लेकिन ये अब इसका डबल हो गया तो 23 पोजीशन हो गई। एक्स, एक्स को कैसे करें हम लर्न? एक्स का हो गया क्रिसमस ट्री के बारे में तो सबने सुना ही होगा, लेकिन और क्रिसमस ट्री जो क्रिसमस है वो आती कब है? 25 को, लेकिन हमें ध्यान रखना है उससे एक नंबर कम लेना है यहाँ पे, वो है 24। वाई की पोजीशन है 25 और जेड हो गया आपके पास 26। अब जो ये लास्ट वाले नंबर्स है ये वाई और टी ओ और जे, इनको कैसे लर्न किया जाए? एक आपके पास सिंपल सा ये तो ध्यान रहेगा ये आप सबको कि इजोटी, ई जे और टी वाई, इसको अगर वर्ड को लर्न कर लिया आपने तो आप देख लेंगे ई की पोजीशन 5 है, ये 10 है, 15 20 और 25, ये पोजीशंस आप ऐसे लर्न कर सकते हो किसी भी लेटर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी टास्क को और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।